संजय शर्मा के पास सीधा रुख करेंगे। संजय मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? संजय क्या आप मुझे सुन पा रहे? संजय तक ऑडियो नहीं जा रहा। शहजाद आप मुझे सुन पा रहे हैं? शहजाद मेरी आवाज आ रही है आपको? शहजाद क्या आप मुझे सुन पा रहे? शहजाद मेरा ऑडियो आ रहा आपको? शहजाद को आवाज नहीं पहुंच पा रही। केशव क्या आप मुझे सुन पा रहे? केशव बिल्कुल मैं आपको सुन पा बिल्कुल। केशव क्या कुछ तस्वीर है ग्राउंड जीरो की, जरा बताइए आप कहां पर मौजूद है और किस किस के बीच में मुकाबला है और क्या कुछ दिखाई दे रहा ग्राउंड जीरो पर आपको? बिल्कुल मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि यहाँ मैं हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा पे मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं यह बूथ की अगर बात करें तो बूथ पे सुबह 8 बजे से पहले ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा ली थी और कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक उत्साहित है लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। दो बार के एक बार के सिटिंग एमएलए भी जो भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश राठौर और उनके सामने जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा रवि बहादुर के रूप में उतारा है, तो वही आम आदमी पार्टी ने भी ममता राकेश के रूप में अपना प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं सबके बीच दिलचस्प एक लड़ाई कह सकते हैं हम, मुद्दा कह सकते हैं जो चल रहा था। कहीं ना कहीं हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से वो लोगों देखिए अभी बुजुर्ग हैं शायद ये अपना मत का दान करके आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? इकरार जी आपने वोटिंग की है, किस पार्टी को वोट दिया ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आने वाला जनप्रतिनिधि किस तरह का चाहते हैं आप? जी बिल्कुल साफ सुना आपने कि इनका साफ तौर से कहना है कि जो विकास करेगा वो जनप्रतिनिधि कहलाएगा। कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरीके की यहाँ सुविधाएं हैं, किस तरीके की यहाँ पे जो मतदान किया जा रहा है, किस तरीके के इनको सैनिटाइजर कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो यहाँ पे होना चाहिए था कोरोना के चलते। देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है अपने मत का दान करना, ठीक है, सबसे बड़ा ये लोकतंत्र का महापर्व है, कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को अपने मत का दान करना चाहिए, साफ तौर से कहा जा सकता है। कुछ लोग हमारे जी केशव आप ज्वालापुर में हैं और ज्वालापुर में जो ग्राउंड जीरो पर देखा गया है माना गया है जो पृष्ठभूमि रही है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला तो देखा जाता है, लेकिन बीएसपी भी एक अहम फैक्टर माना गया है, वहां इस बार क्या तस्वीर दिखाई दे रही है और खासतौर पर हरिद्वार देखिए बीएसपी को निकाल नहीं सकते आप? देखिए बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, कहीं ना कहीं बीएसपी का भी एक बड़ा रूप रहता है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीट पे, या बात करें सरकार की तो सरकार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही रणनीति चली आ रही है उत्तराखंड की, तो इस बार देखना यह होगा कि इस बैंड को क्या उत्तराखंड की आवाम तो हो पाएगी। लेकिन केशव जो ज्वालापुर की लड़ाई किस किस के बीच में देखी जा रही है ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, किस किस के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है? और साथ ही साथ वो कतार में देख रहा था आपके पीछे, कतार बहुत लंबी दिखाई दे रही है, वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं लगातार, हम अपील भी कर रहे हैं कि पहले वोट डालिए और सेल्फी भी भेजिए अपनी न्यूज वर्ल्ड इंडिया को, लेकिन जरा कतार भी दिखाई दे रहा है केशव। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कतार दिखाना चाहूंगा, ये लंबी लंबी कतार है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की लगातार लोगों से अपील कर रही है कि उत्तराखंड की जनता से अपील कर रही है कि अपनी जो है मतदान करे, अपना मत अपने मत का दान करे। देखिए लोकतंत्र का महापर्व है, कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की आवाम तय करेगी कि 5 साल किसको राज्य में लाएगी। कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 5 साल बीजेपी के पास थे अभी, और कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर से कहना है लोग त्रस्त थे इस सरकार से, कहीं ना कहीं कुछ लोग इसकी बड़ाई भी करते। देखिए केशव आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन शहजाद मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? शहजाद क्या आप मुझे सुन पा रहे? शहजाद ग्राउंड जीरो पर है, शहजाद के पास भी रुक करेंगे, लेकिन भगवान पौड़ी में जरा दर्शकों को गहराई से समझाइए कितनी सीटें हैं और कहां कहां पर किस किस के बीच में मुकाबला है, भगवान जरा ये समझाइएगा कहां कहां पर किस किस के बीच में मुकाबला है और जिले में कितनी सीटें हैं पौड़ी के।
जो बात करें पौड़ी जिले की, पौड़ी जिले में 6 सीटें हैं, 6 सीटें जो कि कोटद्वार और श्रीनगर, श्रीनगर सबसे हॉट सीट इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल मैदान में है। भाजपा के जो दिग्गज नेता है धन सिंह रावत जो कि भाजपा के वर्तमान के विधायक है, और यहाँ पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में भाजपा ने परिवर्तन किया है। अब की बार राज्य अपना प्रत्याशी कांग्रेस की बात करें तो नवल किशोर, और यूकेडी की बात करें तो पूनम तप्ता यहां पे है, और आम आदमी पार्टी के मनोलाल पाड़ी। अभी मेरी जब जस्ट थोड़ी देर पहले मनोलाल पाड़ी से और उनके दोनों भी वोट अपना डाल चुके हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी भी नवल किशोर भी प्रत्याशी, जहां तक की बात करें पूरे जिले में सभी ने अपने वोटिंग कर डाल चुके हैं। और चौबट्टा खाल के विधानसभा की बात करें तो सतपाल महाराज ने भी अपना वोट डाल चुके हैं, और धन सिंह रावत और गणेश गोदयाल ने भी अपना वोट डाल चुके हैं। लेकिन इस बार की यहाँ पे जो युवा वोटर है कि उनका रुझान किस तरह पे आएगा, और यहाँ पे किस तरह की जो देखने को ये मिल रही है कि युवा वोटर काफी मतदान कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वोट नहीं डाल पाते उनको व्यवस्था के लिए कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक चीज यहाँ पे पूछूंगा कि यहाँ पे आप जैसे मैं आए तो किस तरह से वोट डाल, इस बार का पहला वोट है किस तरह से?